हो जाए। और बीजेपी को मामला ये है कि माइनॉरिटी के बारे में उनको भी इंसाफ नहीं करना है, तो वो इसको हिंदू कार्ड बनाकर ये खेल रहे हैं। दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के लोगों के मुफाद से। पर कहा जा रहा है कि के पाठक तो कहीं ना कहीं बिहार के एजुकेशन सिस्टम को संभाल रहे हैं ना, सुधार रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके। अरे भाई ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है भाई, इसमें अगर सुधार की जरूरत हो तो सुधार भी कर लेगा। न मीडिया का मुद्दा है ये, न सरकारों को ये करना चाहिए, न आवाम को इसमें वाबेला मचाना चाहिए। अरे सबरात की छुट्टी तो मुसलमानों की भी काटी है, लेकिन उस वाबेला नहीं है इसको। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, लेकिन दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के इशू से। माइनॉरिटी का इशू ये है बिहार में, जाति आधारित गन्ना के बाद माइनॉरिटी की इस 360,000 नौकरी में सिर्फ 1.5 लाख नौकरी जो मिली है उसी को छुपाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये समझ रहे कि माइनॉरिटी उर्दू के मामले में खुश हो जाएंगे, और बीजेपी ये समझ रहे कि इस मामले से हम हिंदू कार्ड खेल लेंगे। दोनों खेल रहे हैं ये लोग। अक्तरुल जी एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से के पाठक एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट के दल के लोग हैं वो लोग सवाल खड़े करें कि कहीं ना कहीं ये अफसरशाही बिहार में। देखिए मैंने कहा था 2012 में सदन में कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, तो जापान में तो 50-60 साल के बाद प्रदूषण खत्म हुआ था, विकलांगता खत्म हुई थी, लेकिन बिहार के शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, 200 साल तक आने वाली पीढ़ी मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाई। और मेरी बात बिल्कुल सही है कि 1,70,000 जहाँ वैकेंसी हो, जिस राज्य में बेरोजगारी हो वहाँ 1,20,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें से भी समझिए कि आधे जो टीचर पहले से हैं वही कर रहे हैं। तो शिक्षा जगत को कहीं ना कहीं चौपट कर दिया गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, कॉलेज में एडमिशन का सिस्टम इसने ऐसा कर दिया है कि जिस बच्ची का अपना घर में आज के दिन में जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, कोई बच्ची जा सकती है 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर पर उनको कॉलेज दिया जा रहा है। तो ये लोग कहीं कुछ भी नहीं कर रहे। के पाठक जी जरा सुधार का काम कर रहे हैं, उनको सुधार का काम करने देना चाहिए। पिछले दिनों से लोगों ने चौपट करके रख दिया। के पाठक ठीक काम कर रहे हैं यकीनन, एजुकेशन को सुधारने के लिए जो कोई भी काम करे उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ये होता है कि अफसर कम दिखता है, मंत्री ज़्यादा दिखना चाहिए। लेकिन नीतीश जी का मामला ये है कि यहाँ पर नौकरशाही इतना हावी है कि लगता है कि अखबारों में देने के लायक है खबर कि एजुकेशन मिनिस्टर गायब हो गया है। शायद एजुकेशन मिनिस्टर गायब, बिल्कुल, तो अखबारों में देने की चीज़ है ये। एजुकेशन मिनिस्टर किसी भी पॉलिसी में, इस किस्म की पॉलिसी में एजुकेशन मिनिस्टर को बहुत सारी पॉलिसियाँ होनी चाहिए। अगर नौकरशाही सारा काम करें तो फिर लोकतंत्र का क्या मानी रह गया। एजुकेशन मिनिस्टर को कई सारी जानकारियाँ भी नहीं रहती है और कई नियम। अब भाई ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि नीतीश शासन में नौकरशाहों की चलती है, मंत्री की नहीं चलती है, दिखावा है।